अलमैकम दोस्तों कैसे हैं आप लोग ठीक हैं उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड ठीक ठाक होंगे सो वेलकम बैक टू दिकेंड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं uh, पाकिस्तान की सेकेंड यूनिवर्सिटी जो कि सेकेंड यूनिवर्सिटी टॉप की बात में मैं नहीं कर रहा मतलब पहले हम लोगों ने पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी को डिफ़ाइन uh, किया था उनका पूरा थोड़ा बहुत बताया था Uh, वो यूनिवर्सिटी थी सखर एबी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक देखें फिर वो वीडियो देखें एंड देन आप लोगों को डिटेल मिल सकती है ठीक है सो so, ये यूनिवर्सिटी जो आज की यूनिवर्सिटी है दैट इज़ ऑलसो अ बिजनेस यूनिवर्सिटी हम लोगों ने पहले सीरीज चलाई है uh, पहले सीरीज़ बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ की चलेगी एंड देन आफ्टर दैट जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी चलाएँगे हम लोग एंड दैन फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की ओके okay? अच्छा सो so, uh, आज की जो यूनिवर्सिटी है दैर इज़ अबैसिन यूनिवर्सिटी जो कि पेशावर में मौजूद है उनकी डिटेल्स जो है फिफ्टीन 14 पॉइंट्स जो है, वो जो वो डिस्कस करने से पहले पहले माय इंट्रोडक्शन दिस इज़ आसिफ अली फाउंडर ऑफ मी फिजिकल एकेडमी, मी वर्चुअल एकेडमी जो ऑनलाइन चलती है एंड मी टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विस एंड आल्सो फाउंडर एंड दी ऑनर ऑफ़ मी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल सो डियर ऑल स्टार्ट करने से पहले के यूनिवर्सिटी uh, का नाम ज़रूरी है यूनिवर्सिटी का नाम है अबैसन यूनिवर्सिटी ये टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड मेक uh, श्योर sure कि यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से सिक्स uh, नंबर पे है ठीक है छठे नंबर पे और ये पूरी uh, मतलब बिज़नेस यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग या मेडिकल साइड पे नहीं है ये बिज़नेस यूनिवर्सिटी है एंड इसकी जो कैंपस uh, हैं पिशावर इस्लाम यू में ठीक है यू uh, ए में भी इसका कैंपस है पिशावर में मेन इन कैंपस इनका पेशावर में है इस्लामाबाद में भी है इनका कैंपस पिशावर में जो इनकी लोकेशन है रिंग रोड चारसदा लिंक पेशावर ठीक है आ, जो आ, इनका जो मिशन स्टेटमेंट है क्योंकि मिशन स्टेटमेंट को पढ़ना ज़रूरी होता है जो लिखा हुआ था एज़ इट इज़ पढ़ा जाए तो बेहतर होता है मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ अच्छा मेकशोर की डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें लिंक वगैरह सारी एज ए प्रूफ दी गई हैं ठीक है अपडेट के लिए अगर हो सकता है कुछ चीज़ें वो अपडेट करें वेबसाइट में या अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ अपडेट्स रखे हैं वो तो वेबसाइट पर आप चले जाया करें क्योंकि जो भी कोई भी दायरा हो अगर अपडेट लाता है तो वो पहले वेबसाइट पर रख देता है वो अपडेट अपनी ठीक है तो पहले अगर आप लोग फॉर सपोज ये पुरानी इन्फॉर्मेशन होगी जो हम लोग बना रहे हैं आफ्टर दैट अगर अपडेट आती है तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन uh, में जाके वो अपडेट्स देख लें देन आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है अच्छा सो मिशन स्टेटमेंट इज़ दैट के फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पहले ऑब्जेक्टिव अपना कर रहे हैं मतलब कि डिफाइन कर रहे हैं फिर वो मिशन स्टेटमेंट कर रहे हैं Objective, the main object of the, uh, objective of the university is to provide high quality, comprehensive educational training and research opportunities that produce highly qualified graduates and responsible citizens who are able to meet the needs of all the sectors of human activity. The university offers to its students relevant qualifications including professional training which combine uh, high level knowledge and skills using courses and content uh, continually tailored to the present and future needs of society. and then uh, students at the basan university aims to provide relevant educational field which will provide many career opportunities to them. then uh, students with relevant education uh, and degree will be pro uh, uh, placed for internship in challenging environment in order to Prepare them for job and uh, fulfilling the mission of the Basin University uh, cultivates in its students. Okay? Ach. a strong foundation of knowledge and skills, mission ki baat A research culture which they will use in uh, practical life, an understanding of mutual respect for all ethnic, uh, uh, ethnic and uh, cultural groups, after that, a sense of being responsible citizens of. द सोसाइटी एंड वैल्यूज ऑफ हार्डवर्क एंड द डिसन डेडिकेशन सॉरी तो ये इनका ऑब्जेक्टिव एंड आप लोग कह सकते हैं कि मिशन स्टेटमेंट भी था एंड आफ्टर दैट कि आप लोगों को पता है डिपार्टमेंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंट्स इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है एक डिपार्टमेंट है पूरा स्पेसिफिकेशन हम लोग अलग डिस्कस करते हैं कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकेशन होती हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में कौन सी है बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस है बैचलर ऑफ साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छा बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी जो है वो मैकेनिकल में अलग है सिविल में अलग है इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग है ठीक है इलेक्ट्रिकल में भी अलग है मतलब चार चार चीजें जो है uh, मतलब एक चीज में आ रही है टेक्नोलॉजी uh, में जो इंजीनियरिंग हो रही है ठीक है अच्छा बैचलर हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ फिर फिर सेकेंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग उसमें क्या है कि सिर्फ सिविल uh, इंजीनियरिंग ही uh, मतलब uh, जो उनकी एजुकेशन है वहाँ पे कंप्लीट कराई जाती है डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यही है डिपार्टमेंट ऑफ़ मैनेजमेंट साइंसेज में जो है वो फिर uh, तीन स्पेसिफिकेशन हैं बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बी बी ए मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर ऑफ साइंस इन इंग्लिश एंड बैचलर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी साइकोलॉजी भी यहाँ पे होती है डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मेसी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड बायोलॉजी साइंसेज बैचलर ऑफ साइंस एंड माइक्रो बायोलॉजी जिसको हम लोग बी कहते हैं बी एस भी है मतलब बैचलर ऑफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ साइंस एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डॉक्टर ऑफ डाइटेक्टिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंसेज डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी डीपीटी uh, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अलग है जिसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन सिंपल बी एड फोर ईयर्स की जो है वो कराई जाती है एंड आगे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी भी है बैचलर ऑफ साइंस इन पॉलिटिकल साइंस बैचलर्स की जाती है बैचलर ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आई आर बी एस में पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी तो ये आ, अंडर ग्रेड के थे मतलब इंटर के बाद इन डिपार्टमेंट्स में आप लोग आ, जा सकते हैं बट जिनकी अब ग्रेजुएशन की हुई है ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि अंडर ग्रेज मतलब ये आ, चार साल आप लोग अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ जाते तो उसके बाद फिर मास्टर्स के लिए कौन कौन से हैं अब मास्टर्स के लिए भी यहाँ पे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में जो मास्टर्स के लिए है मास्टर्स ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस है मास्टर ऑफ साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये मास्टर्स के लिए दो प्रोग्राम्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स आप कर सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी मास्टर कर सकते हैं मैनेजमेंट साइंस के जो स्पेसिफिकेशन uh, हैं वो uh, उन्हीं में आप लोग मास्टर्स कर सकते हैं कौन कौन से हैं ये देखिए सुनिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एम बी में कर सकते हैं मास्टर्स ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट साइंस मास्टर्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मास्टर ऑफ साइंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे मास्टर्स ऑफ फिलासफी एंड इकोनॉमिक्स ये मास्टर्स इनमें कर सकते हैं आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी फार्मेसी में वही जो पहले था आ, मतलब मास्टर्स ऑफ फिलासफी एंड फार्मेस आई डोंट नो के साइंसिस इसी में यह एम फिल कर सकते हैं फार्मेसी में जहाँ पे लिखा है एम फिल का ही है डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड बायोलॉजिकल साइंसेज इन्हीं में आप लोग आ, मतलब मास्टर्स कर सकते हैं मतलब एम एस सी माइक्रो बायोलॉजी एम फिल माइक्रो बायोलॉजी में कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन एजुकेशन में आप लोग जो है एम फिल कर मतलब एम फिल जो ऑब्वियसली होती है मास्टर्स के इक्विवेलेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में मास्टर कर सकते हैं मास्टर फ़िलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस में एम कर सकते हैं आप लोग तो ये थे आ, मतलब ग्रेजुएट वालों मतलब जो आप लोग चार साल पढ़ के बाद जब मास्टर्स करते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम्स है फीस स्ट्रक्चर वगैरह इनका आप अगर देखेंगे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नाइन्टी नाइन थाउजेंड पर ईयर है सिविल के लिए टू लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज़ है सिविल टेक्नोलॉजी मतलब कि बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी जो है नाइन्टी नाइन थाउजेंड पर ईयर है ये ज़्यादातर क्योंकि मैं फिर ज़्यादातर ये डीप में चला जाऊंगा तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा सो so, ये चीजें आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके फीस स्ट्रक्चर उनकी वेबसाइट पे सिंपल जाएंगे ना तो बिल्कुल सिंपल बता दिया गया गौरेज अच्छा आगे इन्होंने बताया है कि रेफरेंस लिंक जो है यहां पे लिखा हुआ है मैंने बत, मतलब हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ये रेफरेंस लिंक वगैरह सारी चीजें देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टर्स के लिए भी आप लोग देख लीजिएगा एडमिशन पॉलिसीज का भी देख लीजिए क्योंकि एडमिशन पॉलिसीज़ उनके हवाले से बहुत ही मतलब ज़्यादातर अपडेट होती रहती हैं तो so ये चीज़ें भी हैं मगर यह मैं बता दूं कि जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिशन पॉलिसीज़ क्या है अच्छा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे तो होते पे याद रखिएगा ठीक है बट अभी मैं नेशनल के लिए कर रहा हूँ फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कह रहे कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद दी एडमिशन अपलीकेशन फॉर्म डाउनलोड द एडमिशन अप्प्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द डाउनलोड और अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट में से जो में। कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में करें कंप्लीटेड कंप्लीटेड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म मार्कशीट ऑफ ऑल प्रीवियसली कम्प्लीटेड अकेडमिक वर्क अकेडमिक वर्क जितना भी आपका है मैट्रिक का इंटर का मार्कशीट है इफ़ कैंडिडेट्स हैव कम्प्लीटली प्रीवियस अकेडमिक वर्क फ्राम एनअर एजुकेशन सिस्टम एंड एक सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं और बोर्ड से किया है या फर्स्ट इंटरनेशनली किया है आप बाहर रहे हैं ज़्यादातर आप पाकिस्तान में अब आ गए हैं तो इक्वालेंट जो इंटरमीडिएट की इक्वालेंट होती है वो कह रहा है कि वो सबमिट करें आप लोग चार पासपोर्ट साइज जो है, है साइज पिक्चर्स जो है वो आप देंगे अपनी अपनी एंड उसके बाद जो है सी एन आई सी अगर है सी एन आई सी नहीं है तो फॉर्म बी बी चल जाएगा वो आप लोग दे देंगे ठीक है अच्छा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर पॉलिसी जाननी है इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड यू मे गो मतलब या यू मे फॉलो डिस्क्रिप्शन एंड इन डिस्क्रिप्शन देयर इज अ वेबसाइट एंड यू मे फॉलो दैट वेबसाइट एंड जस्ट फाइंड इट इज वेरी इजी टू फाइंड इन दिस वेबसाइट अच्छा उसके बाद रेफरेंस लिंक वगैरह सारी गिवेन है देख लीजिएगा स्कॉलरशिप्स कौन-कौन से यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके 75% परसेंट या उससे ज्यादा है तो स्कॉलरशिप आप लोगों को 50% परसेंट दी जाती है एक uh, पहले सेमेस्टर की फिर कहते हैं पहले सेमेस्टर की दी जाती है अगर आप पहले सेमेस्टर के बाद थ्री पॉइंट मेंटेन करते हैं तो आपको फिर ये जो स्कॉलरशिप है फिफ्टी परसेंट ये मेंटेन रहती है हर सेमेस्टर में अगर आप थ्री पॉइंट टू फाइव हर सेमेस्टर थ्री पॉइंट टू फाइव आ रही है सी तो ये स्कॉलरशिप आपकी मेंटेन रहती है दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपका आ, आ, आपका इंटरमीडिएट में अगर मार्क्स मिसाल के तौर पे 60 परसेंट टू तो 74 परसेंट है तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो जो ट्यूशन फ़ी ट्यूशन फ़ी की बात कर रहे हैं हॉस्टल की नहीं ट्यूशन फ़ी जो है वो 25 परसेंट माफ़ कर दी जाती है और प्लस ये फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट थ्री सी आता है ये लगभग सेवेंटी सेवन परसेंट बनता है थ्री सी जी पे आता है तो आपको आपकी जो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट है ये मेंटेन रहती है ठीक है अच्छा फिर कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का को अगर कोई स्टूडेंट है वहाँ पे आ, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल मतलब मार्क्स उनके इतनी परसेंटेज भी नहीं है अगर बैकग्राउंड वीक है तो उसके उनको सपोर्ट करने के लिए भी उनको थोड़ा मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर करी जाती हैं चांसलर जो है इनके आ, वो है मोहम्मद इमरान मतलब इमरान एंड वाइस चांसलर जो हैं वो uh, मतलब uh, एस उमर फारूक हैं एंड उनका जो फ़ोन नंबर है दैर इज़ मतलब एडमिशन ऑफिस का दैर इज़ जीरो नाइन वन टू फाइव एट टू नाइन नाइन सिक्स ठीक है अच्छा एडमिशन uh, मंथ जो है यूजुअली ज़्यादातर ये जनवरी या अक्टूबर में इनके एडमिशन मंथ्स आते हैं बट अभी कोविड का जो है इनका रूटीन इधर उधर हो गया होगा यू कैन सर्च फॉर दैट ओके नेगेटिव मार्किंग टेस्ट में होती है अगर आप लोगों को ये जानना है कि भाई टेस्ट में सब्जेक्ट्स वगैरह कौन कौन से होते हैं क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं तो हर डिपार्टमेंट की टेस्ट या सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अलग होता है अगर उनको हम लोग डिस्कस करने बैठते हैं तो बीस मिनट और लग जाएंगे उनको सिर्फ डिस्कस करने के लिए सो फॉलो लिंक या वेबसाइट देअर वेबसाइट एंड गो फॉर मैं आप लोगों को जो डायरेक्शन दे रहा हूँ पॉलिसीज ठीक है या इंट्रेंस टेस्ट पॉलिसीज वहाँ पे लिखी हुई हैं तो वो जैसे आप लोग फॉलो करेंगे ना उनको तो ये सारी चीज़ें आएंगी हर डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया आ जाएगा इवन इवन इतना भी आ रहा है कि आप लोगों को पता चल रहा होता है वहाँ पे कि भाई हर डिपार्टमेंट में हर सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये भी आप लोगों को पता चल जाता है सो फॉलो दैट एंड आज का सेशन हमारा यहाँ तक का पूरा हुआ एंड उसके बाद जो है uh, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी मतलब ये इसमें डिस्क्रिप्शन में वो आप लोग फॉलो कीजिएगा आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा एंड आफ्टर दैन इनशा फिर साथ ही हैं एंड दुआओं में याद और ये कितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगी इम्पॉर्टेंट थी या नहीं थी सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इम्पॉर्टेंट थी नहीं आप लोगों के लिए ये स्टेप हमारा यूनिक है या नहीं है क्योंकि वी नो के इट इज़ अ वेरी यूनिक बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी वरीड अबाउट एनी थिंग या जो भी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलती तो उस हवाले से थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग एंड गुड लक Thank you.